आजमगढ़ बुढ़नपुर धनसिंहपुर गांव निवासी तिलकधारी गुप्ता ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा मेरी दुकान पर शराब पीकर मारपीट किया गया और रात में आकर सब्जी और अंडे की गिमटी को पलट दिया गया। बताते हैं कि उन्होंने कहा कि यशवंत यादव नामक युवक ने आकर धमकी भी दी। ऐसे में व्यक्ति पूरी तरह से भयभीत है, उसने इसकी शिकायत थाने पर अतरौलिया थाने पर दिया, जहां पर रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बता दें कि तिलकधारी की दुकान कोलसा मोड़ भैरोली मोड़ के पास है। आप देख रहे हैं डीजीएस न्यूज 24 आजमगढ़ बुढ़नपुर से संतोष मिश्र की रिपोर्ट। तिलकधारी कहां घर है? धनसिंहपुर। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमसे बहुत दिन पहले जसवंत यादव से झगड़ा हुई थी। अब वो आए दिन रोज तीसरे चौथे दिन आ करके और झगड़ा करते हैं, यहाँ दुकान पे मारने पीटने की धमकी देते हैं और उठा लेते हैं डंडा पहना। कल क्या हुआ था? कल ऐसा हुआ कि ये आए डंडा लेके हमको बुलाए नीचे आओ, तो हमने सोचे, हमने कहा कि तो डंडा धर दो, तो डंडा धर दिए। इसके बाद गए कुछ बात भाई, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर दूसरा डंडा लेके और हमारे दुकान पर चढ़ के आए कि हमको मारने लगे। और जब मारने लगे तो एक लड़का आया, वो पकड़ के खींच लिया इनको, ये गिर गए। इसके बाद में हम चले गए, दुकान बंद बंद करके दोनों। इसके बाद वो रात में ये और अज्ञात लोगों ने मिल करके दुकान मेरी दोनों पलट दिए। अब उसमें जितना सामान था सब टूट फूट गया है।